तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे स्वादिष्ट आलू और मछली की सब्जी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है कढ़ाई, उसमें डालना है तेल, तेज पत्ता और एक रेड चिली डाल देना है उसमें। फिर उसके बाद उसमें डालना है इलायची, ब्लैक पेपर और छोटा सा दालचीनी। उसके बाद प्याज को ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के आपको डाल देना है। उसके बाद जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, उसमें थोड़ा ग्रीन चिली देके मैं इसको पेस्ट बना ली थी। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे उसको। फिर उसको अच्छे से भून लेंगे। मैं यहाँ पर करीबन 5 से 7 मिनट उसको भूनी हूँ। उसके बाद मैंने उसमें दे दिया है टमाटर, एक बड़ा टमाटर मैंने काट के दिया है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। फिर उसको दे के अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद जैसे ही टमाटर देंगे उसमें नमक देना है। नमक देंगे तब जाकर टमाटर पकेगा, तो इसीलिए मैं दे रही हूँ नमक। उसके साथ थोड़ा सा हल्दी, हल्दी इस स्टार्ट में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसका कच्चापन मर जाएगा। तो हल्दी और नमक को अच्छे से भून लीजिए। फिर भूनने के बाद उसमें डालिए जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। इसको डाल के अच्छे से फिर से आपको भून लेना है। उसके बाद आपको आलू उबाल कर रखना है। उबले हुए आलू को यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। काटने के बाद इसमें डाल दिया है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करिए। फिर इसको आपको पका लेना है, कम से कम 4 मिनट तक इसको पका लीजिए इसी में। फिर मसाला उसके अंदर तक जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट अलग ही आएगा। फिर इसको अच्छे से बना लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी करिए। फिर इसमें जो मछली आप तल के रखे हैं फिश फ्राई करके उसको ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे उसको दिखाना भूल गई हूँ, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। मैं दिखा दे रही हूँ, मैं जब डाली उसको भूल गई मैं दिखाने के लिए। तो उसमें मछली डालकर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर उसको अच्छे से उबाल दीजिए। जैसे ही पूरा कढ़ाई उबलने लगे, गैस को हाई फ्लेम में रख के उबालिएगा, तब जाके स्वाद अच्छा आएगा। तो जैसे ही उबलने लगे गैस को बंद करिए और इसको चावल या रोटी के साथ एंजॉय करिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।